हाय दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो को बहुत कम प्यार मिला। वो प्यार इस वजह से क्योंकि उसमें कुछ मैंने सच्चाई बताने की कोशिश की जो लोगों तक पहुंच नहीं पाई या शायद लोग सुनना नहीं चाहते थे। खैर, जो आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहा, इस सीरीज को सजेस्ट किया था मेरे एक सब्सक्राइबर ने जिसका यूट्यूब अकाउंट नेम है स्मार्टी बॉय का। उन्होंने मुझे कहा था कि भाई ये सीरीज आप जरूर देखो, ये सीरीज बहुत अच्छी है। लेकिन फाइनली जब मैंने सीरीज देखा तो ये सीरीज मुझे कैसे लगी, मैं आपको अपना ओपिनियन शेयर करूंगा और उसके साथ ये भी बताऊंगा कि सीजन 3 कब आएगा और आएगा कि नहीं आएगा वो भी बताऊंगा। प्लस ये सीजन 1 और सीजन 2 आप लोग हिंदी में फ्री में कहां से देख सकते हो बिना डाउनलोड करे। तो यार, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार विजिट किया अरहान एंटरटेनमेंट पे तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो साथ ही बेल आइकन है उसे भी हिट कर देना, उसमें जो ऑल का ऑप्शन है उसे प्रेस कर देना। और हाँ, आप लोग भी चाहो तो मुझे सजेस्ट कर सकते हो कोई भी वेब सीरीज या कोई भी मूवीज के बारे में। अदरवाइज जो जितनी भी लेटेस्ट सीरीज या मूवीज आते तो उसका तो रिव्यू मैं करता ही हूँ और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। हालांकि मैं कोई फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ आप लोग तक सही जानकारी पहुंचाने की। तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो देखिए, आज मैं जिस सीरीज के बारे में बात कर रहा हूं, सीरीज का नाम है द शनारा क्रॉनिकल्स और ये सीरीज बनी है एक नॉवेल पर जिसका नाम था द स्वॉर्ड ऑफ शनारा ट्रायलॉजी। देखिए, शनारा के ऊपर तो काफी बुक्स लिखी गई है लेकिन जिस ट्रायलॉजी पर बनेगी ये सीरीज है उसका नाम है द स्वॉर्ड ऑफ शनारा। अब इस सीरीज की बात करें, इसमें आपको दो सीजन देखने को मिलेंगे, सीजन 1 और सीजन 2, और दोनों ही सीजन में आपको 10-10 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। अगर सीजन 1 की बात करें तो सीजन 1 मोस्टली उन ऑडियंस को नजर में बनाया गया जो 12 साल से 25 साल के बीच में ही है, क्योंकि इसमें ज्यादा आपको ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलेगी जो आप लोग शायद फैमिली के साथ देखना ना चाहते हो। खैर, जो सीजन 2 की बात करो, सीजन 2 काफी और थोड़े मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाया गया और दोनों ही सीजन मुझे पर्सनली अच्छा लगा। दोनों ही सीजन आपको रिकमेंड करूंगा देखने के लिए। खैर, सीजन 1 की कहानी शुरू होती अर्थ से, जहां पे एक फिक्शनल जगह जिस जगह का नाम है फोरलैंड और वहां पे कुछ एल्विन्स रहते हैं और वो लोग प्रोटेक्ट करते एक झाड़ का, जिस झाड़ का नाम होता है, आप लोग पेड़ भी कह सकते हो, उस पेड़ का नाम होता है एलक्रिस। अब उसको वो लोग प्रोटेक्ट इसलिए करते कि उस पेड़ में बहुत सी जादुई ताकत होती, प्लस वो पेड़ कुछ ऐसे शैतान और कुछ ऐसे डीमंस आप लोग कह सकते हैं उनको कैद करके रखते हैं, जो लोग अगर बाहर निकल गए तो सबसे पहला वो लोग एल्विन्स को मारेंगे और फिर बाद में जो भी अर्थ पे रहते उन लोगों को मारेंगे। खैर, यहाँ पर आपको सिर्फ एल्विन्स देखने को नहीं मिल जाएंगे, बाकी और भी ट्रोल्स और बहुत से अलग अलग लोग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इस सीरीज में। खैर, जो मेन एंटागोनिस्ट या आप कह सकते हो मेन विलन, उसका नाम है डार्क डमोर, जो कि हमारे सीजन 1 के एपिसोड पहले में ही रिलीज हो जाता है लेकिन उसके बाद इतनी ज्यादा ताकत होती नहीं है कि वो एल्विन्स पर हमला कर दे। वो क्यों नहीं होती मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एल्विन्स जिस झाड़ को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उस झाड़ की एक बात ये होती है कि उस झाड़ के जितने भी पत्ते होते हैं बेसिकली वो नॉर्मल पत्ते नहीं, वो एक एक डेमन्स या एक एक शैतान होते हैं, तो जितने भी पत्ते उसके झड़ेंगे उतने ज्यादा डेमन्स जागते रहेंगे या उतने ज्यादा डेमन्स रिहा होते रहेंगे और वो डेमन्स मिल के डाकडमोर की एक सेना पूरी तैयार होगी और डाकडमोर हमला करेगा पूरी के पूरे दुनिया पर। तो कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब प्रिंसेस एम्बरली से कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से वो जो झाड़ है वो मरना शुरू होता है, यानी कि बेसिकली उसके जो पत्ते हैं वो पत्ते झड़ना शुरू होते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक एक पत्ते झड़ेंगे तो एक एक डेमन रिहा होते रहेगा, तब किसी भी तरीके उसको पेड़ को बचाना है और पेड़ को बचाने के लिए क्या कुछ करती है ये सब कुछ जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। और उसको इसमें साथ देते हैं विल, इरेट्रिया और एलेनॉल। अब ये तीनों कैरेक्टर कौन है और क्या प्रिंसेस एम्बरली वाकई में उस पेड़ को मरने से बचा पाएगी, सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इस सीरीज के कैरेक्टर्स के ऊपर। तो देखिए, इस सीरीज के कैरेक्टर की बात करो तो हर एक कैरेक्टर को बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया, लिखा गया मैं तो कहूंगा। लेकिन पर्सनली मुझे एलेनॉल का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, उसके अलावा विल और एम्बरली, मतलब यहाँ पर किसी एक को चूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और ये सीरीज की जो रफ्तार है बहुत अच्छी है, मतलब कहीं से भी आपको बोर महसूस होता नहीं है। और ये सीरीज मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सीरीज में मुझे पर्सनली कोई भी ऐसी चीज लगी नहीं जिसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। हाँ, जो सीजीआई वर्क है इसका बहुत ही शानदार है, कहीं कहीं पे सीजीआई वर्क काफी आप कह सकते हो बहुत ही चीप क्वालिटी का लगता है लेकिन मोस्टली हर जगह पे बहुत अच्छा सीजीआई लगता है। और एक्जॉटिक लोकेशन की बात करो तो ये सीरीज को शूट किया है न्यूजीलैंड में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और इस तरीके की फैंटेसी सीरीज मोस्टली न्यूजीलैंड में ही शूट होती है क्योंकि वहां की जो जगह है, वहां के जो पहाड़ है, वहां की जो हरियाली, वो अलग ही लेवल की, और आपको लगता है कि आप
वाकई में किसी फैंटेसी दुनिया पर पहुंच गए हो अगर आप न्यूजीलैंड को देखोगे तो। मेकअप है, कॉस्ट्यूम है, बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो कुल मिला के सीरीज कहीं से भी ऐसी लगती नहीं कि आप इसको ना देखो, ये सीरीज बहुत अच्छी है। और उसकी हिंदी डबिंग की बात करो तो हिंदी डबिंग भी बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है। बेमतलब की कोई भी फालतू रेफरेंस कोई बॉलीवुड मूवी के नहीं दी गए है, नहीं दिया गया है। और उसके अलावा इसमें जो एडल्ट सीन्स की बात करो तो इक्का दुक्का एडल्ट सीन्स है, वो भी इतने ज्यादा गलत नहीं है जो आप लोग फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। तो खैर अब मैं आपको बताऊंगा इसका सीजन 3 क्यों नहीं आएगा और क्यों इस सीजन 3 कैंसिल हो गया। देखिए जब सीजन 1 रिलीज हुआ था 2016 में, तो ये रिलीज हुआ था एमटीवी नेटवर्क पर, एमटीवी चैनल आप लोग कह सकते हो। तो उस टाइम पे इस सीरीज को काफी लोगों ने पसंद किया था, ये वन ऑफ दी बेस्ट था 2016 में, क्योंकि इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत हाई था और उसमें जो परफॉर्मेंस था, जो कहानी थी बहुत अलग हटके थी। और इस तरीके की जो फैंटेसी सीरीज में होना चाहिए वो सब कुछ इंग्रेडिएंट्स इस सीरीज में थे। लेकिन जब सीजन 2 की बारी आई तो 2017 में सीजन 2 रिलीज तो हुआ था, बट ये अब रिलीज हुआ था एमटीवी नेटवर्क पर नहीं, बल्कि ये रिलीज होता स्पाइक नेटवर्क पर। तो एक नए चैनल पर जाने से काफी लोग खफा हो गए थे और शायद ये एक रीजन बताया जा रहा है कि ये सीजन लोगों ने इतना ज्यादा नहीं देखा था। लेकिन काफी लोगों का ये भी कहना है कि सीजन 1 एज कम्पेयर टू सीजन 2 बहुत ज्यादा अच्छा था। सीजन 2 काफी डार्क था और काफी थोड़ी मैच्योर ऑडियंस को बनाया गया था और काफी लोगों को सीजन 1 इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। और इसका थर्ड रीजन ये है कि मेकर्स का ये भी मानना है कि जो इस तरीके की जो सीरीज होती है उसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं बनने के लिए, और जो कि सीजन 2 इतना ज्यादा नहीं चला था, तो इस वजह से हम लोग ने सीजन 3 कंटिन्यू नहीं किया। अगर पर्सनली मेरी ओपिनियन दूं तो मुझे इसका सीजन 3 देखना है, क्योंकि सीजन 1 और सीजन 2 मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अगर आप इसका सीजन 3 नहीं बनाते तो मैं आपको एक राय देता हूं कि इसका आप रिबूट कर सकते हो या तो फिर एक फिल्म बना सकते हो जो कि बहुत ज्यादा चलेगी, क्योंकि जो सब्जेक्ट है, जो कहानियां है, बहुत जबरदस्त है यार। और इसको हिंदी में आप लोग कहां से देखे मैं आपको बता देता हूं, ये आप अगर प्ले स्टोर पे एमएक्स प्लेयर डाउनलोड कर लोगे तो वहां पर आपको सीजन 1 और सीजन 2 दोनों ही हिंदी में देखने को मिल जाएगा और बिना डाउनलोड करे देखने को मिल जाएगा। अगर आपके घर में वाईफाई है तो बिना बफरिंग करे आप सारे के सारे एपिसोड्स देख सकते हो, क्योंकि मैंने खुद इसको एमएक्स प्लेयर पर ही देखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता देना। और हाँ, अगर आपने द शनारा क्रॉनिकल्स ऑलरेडी देख चुके थे तो यार मुझे कमेंट करके बताओ कि वाकई में आपको ये सीजन कैसा लगा। और हाँ, ये रिव्यू देखने के बाद अगर आपका मन हुआ ये सीजन देखने का तो ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो भाई बस इस वीडियो में इतना है, आप लोग का शुक्रिया करता हूं इस वीडियो को यहां तक देखने का। अगर आप लोगों ने यहां तक देखा तो मुझे पता है आप इस वीडियो की लिंक को आगे भी शेयर करोगे और हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करके जो साथ ही बेल आइकन उसे भी कर दोगे प्रेस। तो बस मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। दुआ में याद रखना, मैं हूं राशिद शेख, बाय।